हेलो एवरीवन, मैं लीना खांडेकर, मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर इंटरनेशनल लीज ब्यूटी एंड स्पा इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हूँ, पूना बेस्ड हूँ। मैं पिछले 17 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और नेशनली और इंटरनेशनली हमारे कोर्सेस रन होते हैं, इंडिया में इंडिया के बाहर करते हैं। वी आर एक्रीडेटेड बाय सिडेस्को, सिटैक, BNWSSC एंड ABTC। ये सारे कोर्सेज हमारे इंस्टीट्यूट में हम रन करते हैं। ये सब जानकारी के बाद मैं आप लोगों से आज जिनका इंट्रोडक्शन करने वाली हूँ वो है मिस मोनिका बहल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनिका बहल जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर अस टुडे एंड आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू विद अस। थैंक यू सो मच लीना, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स माय प्लेजर टू बी हियर ऑन योर प्लेटफॉर्म। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं महाराष्ट्र से, आउटसाइड महाराष्ट्र, पुणे से, इनफैक्ट पुणे के काफी व्यूअर्स हैं जैसे आपने बताया शुरू में ही, उन सबको वेरी हार्ट फेल्ट नमस्ते एंड गुड इवनिंग टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच मोनिका जी। मोनिका जी, शी इज अ सीईओ ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल, अ सर्विस प्रोफेशनल विद 24+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन लीडरशिप रोल्स इन्वॉल्विंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, देन G&L मैनेजमेंट विथ 15 years ऑफ मल्टी फंक्शनल एक्सपीरियंस इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। सो दिस इज रियली अ वास्ट एक्सपीरियंस आई वुड से। शी इज अ विजनरी विथ वेरिएबल ईयर्स आफ्टर ईयर्स प्रोग्रेस इन अचीविंग ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टार्टअप प्रोजेक्ट एंड इन मेकिंग द प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। She holds a master degree in CRM&E, that is Community Resource Management and Extension, from Lady Irwin College, Delhi University, with distinction and second position in the university. That's so awesome, Monika ji. Congratulations. Thank you so much, Meena. We are really, really excited. She really has extensively worked across India, Southeast Asia and Gulf region to establish and upgrade brands. And I have really seen Monika working so hard for, and she is so passionate getting up this industry and upscaling this industry. So, मैं वापस एक बार Monika आपका स्वागत करती हूँ, सारे व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आज पार्टिसिपेट हुए हो, और मुझे पक्का भरोसा है एट द एंड ऑफ द सेशन हमें काफी सारे ऐसे बहुत ही इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल एज वेल एज इंफॉर्मेटिव अपडेट्स मिलेंगे। एंड थैंक यू टू द व्यूअर्स आल्सो फॉर लॉगिंग इन एंड फॉर हियरिंग अस। व्यूअर्स के लिए, जैसे लीना जी ने ऑलरेडी आपसे शेयर किया है, टॉपिक इज ऑलरेडी बीन शेयर्ड, हम दोनों मिलके वील ट्राई एंड गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन कि हमारा ट्रेड कैसा है आज की डेट में और आने वाले कुछ सालों में, लेट्स से 6 महीने में, 2 साल में, 5 साल में हमारे ट्रेड जो ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री है वो कहाँ जाने वाली है और उसके लिए हमारी क्या प्रेपरेशन चाहिए कि हम उसके साथ कदम से कदम मिला के चल सके। जी जी, ये बहुत ही बढ़िया स्टेप होगा। और मैं जैसे जानती हूँ कि ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल इसके लिए बहुत सारा काम कर रहा है, और ये हम लोगों का बहुत ही बड़ा कर्तव्य बनेगा कि हम इसमें अपना अपना एक छोटा सा इनिशिएटिव दे और इस काम में हाथ जरूर बटाए। मोनिका जी, मैं जरूर आपसे पहला सवाल ऐसे करना चाहूंगी इस हमारे टॉक का कि ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल क्या है, ये काफी सारे लोगों को जानना है, और ये किस तरह से काम करता है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन लीना। ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल 2014 में दिल्ली में स्थापित हुआ था। हम डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको MSDE कहते हैं, उसके अंदर आते हैं। हमारे जो मंत्री जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं आज की डेट में, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं। हम MSDE के एजेस के अंदर हैं और NSDC ने हमें फॉर्म किया है। NSDC है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसकी नींव रखी गई थी बेसिकली कि हमारा जो यंगर जनरेशन है, आने वाले बच्चे हैं जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आज की डेट में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आगे लेके जाना है, हम उनके लिए उनको ऐसी एजुकेशन दें जो उनको सिर्फ डिग्री तो दे
बट डिग्री के अलावा अपने पैरों पे खड़े होने की काबिलियत दे, अपने पैरों पे खड़े होने की स्किल्स दे और कॉन्फिडेंस दे कि वो अपना कल को उनको अपना कुछ काम शुरू करना है, उनको जॉब चाहिए, निकलते ही कॉलेज से स्कूल से दे शुड बी रेडी टू बी एम्प्लॉयबल। अनलाइक अगर आप देखें आज की डेट में बहुत से आपको ग्रेजुएट्स मिलेंगे जिन्होंने या तो ग्रेजुएशन है बट जॉब ना होने की वजह से कोई टैक्सी ड्राइवर बन गया है, कोई गार्ड बन जाता है। सो गवर्नमेंट ने इसी चीजों को देखते हुए, मद्देनजर में रखते हुए ये स्किल डेवलपमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया था, जिसके अंदर हमारे जैसे और भी 37 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं। हम ब्यूटी एंड वेलनेस को पूरा देखते हैं और ब्यूटी एंड वेलनेस के अंदर हमारे अंदर 7 सब सेक्टर्स आते हैं। सबसे बड़ा सब सेक्टर जो हमारा है सैलून इंडस्ट्री का है, जिसमें ब्यूटी पार्लर्स आ जाते हैं, सैलून आ जाते हैं, मेकअप स्टूडियो, नेल स्टूडियो, आपका जितने भी स्टैंड अलोन हेयर सैलून है वो सब आता है। सेकेंड जो सब सेक्टर है हमारा वो है हमारा स्लिमिंग का, जिसमें वेट मैनेजमेंट की सर्विसेज आती हैं। तीसरा सब सेक्टर हमारा जो है वो है स्पा एंड रिलैक्सेशन मसाजेस का, जिसके अंदर स्पा आ जाता है, आयुर्वेदा मसाजेस आ जाता है। फोर्थ हमारा जो है वो अल्टरनेट थेरेपीज आती हैं। अल्टरनेट थेरेपीज में हमारे पास न्यूरोथेरेपी है, हमारे पास रिफ्लेक्सोलॉजी है। सिक्स सबसेक्टर हमारा फिटनेस का है, जिसमें जिम के फिटनेस के रोल्स आते हैं। और सेवन सबसेक्टर ब्यूटी एंड वेलनेस कंसल्टेंट का है। आपने देखा होगा जब आप शॉप स्टॉप जाते हैं या किसी भी मॉडर्न स्टोर में जाते हैं, वहां पे हर कॉस्मेटिक ब्रांड के आगे लड़कियां खड़ी होती हैं, लड़के खड़े होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली आपको क्या चाहिए, कौन सी नाइट क्रीम चाहिए, कौन सा फेस क्लिंजर चाहिए, कौन सी डे क्रीम चाहिए, कौन सी आपके लिए कलर कॉस्मेटिक सूट करेंगे आपको, वो सब आपको गाइड करते हैं। तो कीपिंग दैट इन माइंड वो ब्यूटी एंड वेलनेस कंसल्टेंट्स में आते हैं। तो ये 7 सब सेक्टर हमारे अंदर हैं। हम जैसे आपने बताया बहुत पैशनेटली सारी BWSSC की टीम काम करती है स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, एजुकेशन के लिए। जैसे मोनिका जी ने अभी हमें बताया कि BWSSC किस तरह से काम करता है, उनके अंदर टोटल 7 सेक्टर्स हैं, सब सेक्टर्स, जिसके लिए BWSSC बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट है जानना कि ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर के लिए, जो ब्यूटी इंडस्ट्री है उसके लिए हमें क्या, मतलब वो कैसे काम करते हैं, उनके क्या नॉर्म्स होते हैं। अभी COVID-19 के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा एक हाइजीन एंड सेफ्टी का गाइडलाइन तैयार किया है, वो सारे डिस्कशन हम अभी आगे करेंगे। सो मोनिका जी, थैंक यू सो मच टू BWSSC, यू एंड योर टीम, यू रियली आर पुटिंग हार्ड वर्क फॉर ईच वन ऑफ अस एंड वी रियली वुड लाइक टू नो फर्दर। सो कैन आई मूव ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन? बिल्कुल जी। Monika ji, I just would like to know what positive changes can be expected in the beauty industry growth and how to grow salon business post-lockdown? Thoda Leena, tough question hai aur tough time hai. Sabke liye hai tough time, but hamari industry ke liye kuch zyada tough hai kyunki hamara jo industry hai wo touch and feel ki industry hai. आपको क्लाइंट के पास जाके क्लाइंट की सर्विसिंग करनी पड़ती है, क्लाइंट और थेरेपिस्ट में या हेयर ड्रेसर में या मेकअप आर्टिस्ट में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल काम है। बट हैविंग सेड दैट, हमारी इंडस्ट्री आज की डेट में इज वन ऑफ द एसेंशियल इंडस्ट्रीज ऑल्सो। इनफैक्ट 2 महीने से जब से सैलॉन्स बंद हैं, मेरे जान पहचान के लोग और आप सबके भी होगा जो वेट कर रहे हैं कि सैलॉन्स खुलें, वो जाके सैलॉन में अपने थ्रेडिंग कराएं, वैक्सिंग कराएं, बालों को कलर कराएं, फेशियल कराएं, पीपल आर वेटिंग फॉर इट। सो हमारी एसेंशियल ना होते हुए भी एसेंशियल सर्विसेज में आ जाता है कि आज की डेट में ये मैंडेट बन गया है कि महीने में एक बार सैलॉन की सर्विसेज तो चाहिए होती है, और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं चाहिए होती, ये हमको खुद अपने आप को अच्छा लगने के लिए और अपने कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए होती है। और ये 2 महीने से हमारी इंडस्ट्री बंद है। बट हैविंग सेड दैट, जैसे गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे रही है इन डिफरेंट जोन्स, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिलैक्सेशन दे दी है कि सैलॉन्स खुल सकते हैं।
रेड जोन्स में भी धीरे धीरे आएगा रिलैक्सेशन, जैसे कोविड के नंबर थोड़े कम होंगे, बट एक चीज तो इट्स ऑन अ फेस, हमारे सामने दिख रहा है कि कोविड 19 जल्दी जाने वाला नहीं है। कोविड 19 इंडिया में रहेगा और थोड़े महीने, शायद एक साल तक भी रह सकता है, जब तक इसके लिए मेडिसिन या वैक्सीन नहीं बने या वायरस इन इटसेल्फ म्यूटेट नहीं हो जाए। रीजन उसके दो चार हैं कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना थोड़ा कठिन काम है। आप यूरोपियन नेशंस में देखिए, आप यूएसए में देखिए, जहाँ पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी उन लोगों से कोरोना वायरस कंट्रोल नहीं हो पा रहा। सो हमें कीपिंग इन माइंड कि हमारे थोड़े पॉजिटिव हैं और थोड़े नेगेटिव हैं हमारे कंट्री में, उनको लेते हुए हमें गाइडलाइंस के अंदर काम करके रहना है। अगर हम गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, जो जैसे लीना ने बताया कि ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टरल काउंसिल ने एम्स की मदद से प्रॉपर अच्छी गाइडलाइंस बनाई है, जो मेडिकली वेटेड है, मेडिकली अप्रूव्ड है, और उस पे आपको मतलब डिविजन वाइज अगर आप अपना सैलून चलाते हैं तो उसके चार हमने स्तंभ जिसको कहते हैं पिलर्स बना के दिए हैं, कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एक पिलर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का माने जो सैलों का स्ट्रक्चर है, जो सैलों के अंदर और बाहर का फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसकी गाइडलाइन, उसकी सेफ्टी, उसकी हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, सबसे पहला वो गाइडलाइन है। दूसरा गाइडलाइन जो हमने बनाया है वो है क्लाइंट के लिए, कि क्लाइंट को कैसे अपने आप को सेफ रखना है सैलों आने से पहले, सैलॉन में और सैलॉन में सर्विस कराने के बाद। तीसरा उसका स्तंभ या पिलर जिसको आप बोलेंगे, वो हमारी टीम मेंबर्स हैं, जो हमारा स्टाफ है जिन्होंने क्लाइंट्स के ऊपर काम करना है, और उसके लिए भी गाइडलाइंस हर टीम मेंबर के लिए हर जॉब वाइज डिस्क्राइब की गई है। हेयर ड्रेसर्स की गाइडलाइंस ब्यूटी थेरेपिस्ट से अलग है, मेकअप आर्टिस्ट की पेडिक्योरिस्ट से अलग है, योगा ट्रेनर की रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट से अलग है, न्यूरोथेरेपिस्ट की इन सबसे अलग है। तो सबके लिए गाइडलाइन कीपिंग इन माइंड उनका वर्क रिक्वायरमेंट कैसा रहेगा वो बनाई गई है। और चौथा और जो बहुत इम्पोर्टेंट एक और स्तंभ है हमारा इस गाइडलाइंस में, वो है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, जो क्लाइंट का रिसेप्शन से लेके या उनकी गाड़ी की पार्किंग से लेके आपको क्लाइंट सर्विस एरिया तक एस्कॉर्ट करते हैं, जो आपकी अपॉइंटमेंट्स में हेल्प करते हैं, जो आपकी बिल की पेमेंट्स में हेल्प करते हैं। तो ये चार पिलर्स के ऊपर गाइडलाइंस बनाई गई हैं। क्लाइंट्स के लिए बहुत वेल डिफाइंड गाइडलाइंस हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि क्लाइंट को अभी कोविड के बाद जब सैलॉन्स खुलेंगे, एकदम से सबको रश नहीं मचाना सैलॉन में जाके, अपने अपने सैलॉन में उनको अपनी अपॉइंटमेंट के हिसाब से जाना है, वो फोन करके या ऑनलाइन अपने सैलॉन के साथ अपॉइंटमेंट लिए। सैलॉन को भी ये देख के रखना है कि अगर उनकी कैपेसिटी 10 कुर्सियों की है या 3 कुर्सियां, 2 फेशियल बेड और 2 या 3 उनके पेडिक्योर स्टेशन हैं और 2 उनके मेकअप एरियाज हैं, तो टोटल मिला के 10 क्लाइंट्स को वो एंटरटेन कर सकते हैं। तो उनको 10 की जगह शायद 5 क्लाइंट्स को ही इस टाइम पे लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 मीटर का डिस्टेंस जो मैंडेट किया है ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टरल काउंसिल ने गाइडलाइंस में, वो मेंटेन करना पड़ेगा 2 क्लाइंट्स के बीच में भी। सो जो क्लाइंट अगर आपके लेट्स से हेयर कटिंग की, जो जैसे हमारा सैलॉन होता है, हेयर कटिंग की चेयर्स आगे पीछे होती हैं या साथ साथ में होती हैं, तो एक चेयर को आप ऑक्यूपाई करेंगे, एक को खाली छोड़ेंगे, फिर एक चेयर को ऑक्यूपाई करेंगे, ये मैंडेट करना पड़ेगा। जिनके बड़े सैलॉन्स हैं उनको उसके हिसाब से मैंडेट करना पड़ेगा, और जिनका छोटे सैलॉन्स है उनको क्लाइंट की अपॉइंटमेंट उस हिसाब से लेनी पड़ेगी। क्लाइंट को बहुत जरूरी है कि अगर वो सैलॉन जाते हैं अपनी ही गाड़ी में जाएं, बनस्पत की किसी और से राइड लेके या किसी और सर्विस प्रोवाइडर के साथ जाएं, और सेल्फ ड्रिवन कार में जाएं, कि वो अपनी गाड़ी की चाबी भी उनको किसी को देनी नहीं पड़े, खुद ही पास करें, वैले की रिक्वायरमेंट ना लें तो अच्छी बात है। जहां पार्किंग फैसिलिटी है उसे आप एटलीस्ट ये अवॉइड करेंगे कि आपकी स्टेयरिंग पे बहुत सारे लोगों के हाथ नहीं लगे, आपकी चाबी पे बहुत सारे लोगों के हाथ नहीं लगे, आप उस सब चीजों में अपनी हाइजीन ऑफ द कार मेंटेन कर सकते हैं। क्लाइंट्स को और इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो अपने साथ कंपेनियन नहीं लेके जाएं, और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाएं, 12 साल के छोटे बच्चों को बिल्कुल भी अभी सालों में नहीं लेके जाएं। आई कैन अंडरस्टैंड कि बच्चों के भी बाल लंबे हो रहे हैं, बट वी कैन मैनेज इट फॉर सम टाइम। हैविंग सेड दैट, सैलॉन के अंदर जाके वो वेट नहीं करें रिसेप्शन एरिया पे,
रेटलिस्ट की डिमांड नहीं करें, रेटलिस्ट यहाँ तो उनको डिस्प्ले हो जाए नोटिस बोर्ड पे या उनके मोबाइल पे भेज दी जाए, या जब वो अपॉइंटमेंट देते हैं तभी अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन के साथ भेज दी जाए कि क्लाइंट फिजिकल किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं रखे। दे शुड नॉट आस्क फॉर मैगजीन, दे शुड नॉट आस्क फॉर न्यूज पेपर, ऑनलाइन जितना पढ़ सकते हैं पढ़े। एंड आई विल फर्दर गो हेड एंड रिक्वेस्ट द क्लाइंट कि अपना बैग या पर्स लेके जाना भी अवॉइड करें, एक वॉलेट ले जाएं और एक मोबाइल ले जाएं। पेमेंट प्रेफरेबली आप ऑनलाइन मेथड से कीजिए, जिससे आप फर्दर करेंसी हैंडलिंग अवॉइड कर सकते हैं। और बहुत सारे सैलॉन्स आज की डेट में जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स भी हैं, व्हेन आई एम गोइंग ऑन द वेबसाइट एंड आई एम चेकिंग आउट, मेनी ऑफ देम आर इवन ऑफरिंग 5% to 10% डिस्काउंट अगर क्लाइंट ऑफर करता है ऑनलाइन पेमेंट के लिए। सो ऑनलाइन पेमेंट के लिए तो आपको शायद वॉलेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैक्सिमम वॉलेट एंड मोबाइल सैलॉन में लेके जाए, एंड अगर चल सकता है तो सिर्फ मोबाइल और हेडफोन ले जाइए। तो ये क्लाइंट को छोटी छोटी प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी। सिमिलरली हमारे थेरेपिस्ट को प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी कि वो अपना मास्क और ग्लव्स थ्रू आउट द डे पहन के रखें, हर क्लाइंट के बाद उसको चेंज करें, सारा डिस्पोजेबल लिनन यूज करें, प्लस क्लाइंट को रिक्वेस्ट करें कि वो अपना थर्मल स्क्रीनिंग करा के ही सैलॉन के अंदर आए। सिमिलरली सुबह जब स्टाफ आता है उसकी भी थर्मल स्क्रीनिंग की जाए कि उनको टेम्परेचर नहीं हो, कोई भी उनको सिम्टम हो, गला खराब हो, थोड़ा सा भी फीवर दिख रहा हो, उस दिन वो अपने मैनेजर को, अपने ऑपरेशन हेड को फोन करके छुट्टी ले लें, ऑफिस नहीं जाए। क्लाइंट्स के लिए पानी अगर उनको पीना है तो छोटी पेट बॉटल्स में ही पिए, ग्लास में नहीं लें। चाय कॉफी अवॉइड करें, बट अगर चाहिए तो डिस्पोजेबल में लें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो विच विल बी अ न्यू नॉर्मल, इसके साथ हमें अब जीना पड़ेगा और हमें ये अपना लाइफ स्टाइल बनाना पड़ेगा कि हम घर से बाहर जब निकलते हैं तो ये सोच के निकलें कि आसपास सारे कोविड कैरियर्स हैं, हमें अपने आप को बचा के निकलना है। हम यही करेंगे तो वील बी एबल टू सेव गार्ड आर सेल्व, आर फैमिलीज एंड द नेशन ऑन अ होल। That's lovely. These are superb and well thought guidelines. और हमें आई थिंक ये सारे गाइडलाइंस को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। ये बहुत ही स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस है जो बनाए गए हैं और मैंने ये देखे हैं, ये हम शेयर भी करेंगे आप सबके साथ। और ये हेयर ड्रेसर्स, मेकअप आर्टिस्ट या फिर स्किन थेरेपिस्ट, इन सब के लिए अलग अलग गाइडलाइंस है। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉमन चीजें जो है वो मोनिका जी ने अभी आप सबको बताई है। तो अगर हम लोग इस तरह से हमारे सैलून में किस तरह से प्रिकॉशन लेने वाले हैं, ये मैसेज अगर आपका आपके वीडियो थ्रू या आप एक अच्छा सा टेक्स्ट मैसेज आपकी लैंग्वेज में भेजते हो क्लाइंट को, तो मेरे ख्याल से क्लाइंट को अभी जो चाहिए वो चाहिए कि सेफ्टी मिलेगी ना इस सैलून में। तो ये अगर हमने अच्छे से कन्विंस किया उन तक, तो शायद हमें ये जो डर है कि मेरे सैलून में अपॉइंटमेंट्स होंगे या नहीं होंगे, बिजनेस में हमें ग्रोथ दिखेगी या नहीं दिखेगी। तो जैसे मोनिका जी ने कहा कि बिजनेस थोड़ा स्लो ग्रोथ होगा, लेकिन ये ग्रो जरूर करेगा, सिर्फ आपको अपने क्लाइंट तक कन्वे करना है मैसेज अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच एब्सोल्युटली लीना। आई विल जस्ट ऐड ऑन दिस हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत व्यूअर्स हैं, हमने ये गाइडलाइंस मराठी में भी बना दी हैं। लीना जी आपसे ये सबके साथ गाइडलाइंस इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आपको जो लैंग्वेज चाहिए होगी ये तीनों अवेलेबल हैं, मैं वो लीना जी आपसे शेयर कर सकती हैं। पक्का पक्का, मैं ये जरूर सबके साथ शेयर करूंगी ये सारे गाइडलाइंस, क्योंकि ये जैसे तीनों लैंग्वेज में बनाई है, मैं तीनों लैंग्वेज आपके साथ शेयर करूंगी। मोनिका, आई हैव सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू। सो बेसिकली ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स है, सो कैसे होता है, सिंपली आई वुड लाइक टू आस्क यू इज हाउ कैन वी एज अ ब्यूटी एंड वेलनेस एंटरप्रेन्योर्स प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट। लीना, वेरी वैलिड क्वेश्चन, और ऐसा कभी ये फर्स्ट टाइम इंडिया में ही नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोबल ये पेंडेमिक है जो सबको परेशान कराए, तो इनमें से कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था। हम तो बहुत दूर थे, इनफैक्ट डेवलप नेशंस लाइक यूएसए, यूके, एंटायर यूरोपियन नेशन, कोई भी रेडी नहीं था। बट हैविंग सेड दैट, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं
चाहे हमें सिचुएशन सिखाए, चाहे हमें कोई और सिखाए, बट हम सीखने में बहुत अच्छे हैं। हमें आज की डेट में, जैसे मैं बता रही थी कि जब तक सैलॉन्स खुलते नहीं है, हमें मॉर्निंग इवनिंग जूम आजकल फ्री है, स्काइप कॉल्स फ्री है, हमें अपनी टीम को लेके ये सारी गाइडलाइन उनको जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ABCD, वैसे रोज पढ़ानी चाहिए सुबह शाम, और उनको याद करवानी चाहिए। एक बार सैलॉन खुल जाने के बाद उनको ये ड्रिल, मतलब सैलॉन अगर आपका लेट से 10 बजे खुलना है तो स्टाफ को 9 बजे बुला के ये ड्रिल कराइए, और ये ड्रिल तब तक कराइए जब तक सैलॉन में, मतलब वो कहते हैं ना, वो सोते हुए भी अगर उनसे पूछ लिया जाए तो वो सही जवाब देंगे। बट हैविंग सेड दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम अपनी टीम्स को ये पढ़ा दें अच्छे से, जिस भी लैंग्वेज में वो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि BWC इस हफ्ते में इन सब गाइडलाइंस के ऊपर एक सर्टिफिकेशन लेके आ रही है, जो हमारी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें जितने भी लोग आना चाहें और BWSSC से सर्टिफिकेट लेना चाहें कि उन्होंने गाइडलाइंस पढ़ ली है और उन्हें समझ आ गया है, उनको एक ऑनलाइन क्वेश्चनियर करना पड़ेगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो हर क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे, आपको सही वाला, लाइक कौन बनेगा करोड़पति वाला ऑप्शन रहेगा, आपको उनमें से सही ऑप्शन सिलेक्ट करके उसको लॉक करना पड़ेगा, और अगर आपका 75% एंड अबव आंसर सही होते हैं तो BWSSC की तरफ से आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी, जिसको आप अपने सैलॉन खुलने पे डिस्प्ले कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को मैसेज करके बता सकते हैं, और क्लाइंट्स का इस पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कीपिंग इन माइंड कि BWSSC एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है एंड गवर्नमेंट सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। वेरी गुड, That's wonderful. Means ये गाइडलाइन आपको जरूर सबको समझ में आई होगी, और ये आप BWSSC के वेबसाइट पे जरूर चेक कीजिएगा कि किस तरह का सर्टिफिकेशन है, और आप और आपके स्टाफ को भी आप ये करवाने को लगाइएगा। सो मोनिका, देर आर वेरियस ऑब्स्टेकल्स विच आर गोइंग टू कम एंड विच आर ऑलरेडी हैव कम, सो हाउ टू ओवरकम दोज ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस पोस्ट लॉकडाउन। सो अगर एग्जाम्पल के साथ बोला जाएगा तो काफी सारा ऐसे हो रहा है कि कोई कोई स्टाफ छोड़ रहा है या स्टाफ को भी निकाला जा रहा है, या फिर ऐसे हो रहा है कि क्लाइंट्स अभी कोई बेसिक चीज के लिए आएंगे, जैसे कि फेशियल है, लैविश कोई चीज है, जैसे स्पा थेरेपी है, ये तो नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग जैसे पहले से बहुत सारा सामान लिया करते थे या स्टॉक करके रखते थे, वो शायद अभी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे जो ऑब्स्टेकल्स होंगे उनको हम लोग ओवरकम कैसे करें? लीना, ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के लिए नहीं, अक्रॉस द इंडस्ट्री ये प्रॉब्लम है और रहेगी, और अगेन हमें इसके साथ, मतलब इसके साथ हाथ मिला के आगे चलना पड़ेगा। सबसे पहले आपने स्टाफ की बात की, देखिए अच्छा स्टाफ मिलना मुश्किल होता है, और उसको अपने सैलॉन की गाइडलाइंस, अपने सैलॉन की SOPs, अपने सैलॉन की ईथोस के हिसाब से ट्रेन करना और टाइम कंज्यूमिंग होता है। अच्छे स्टाफ को आई वुड रिक्वेस्ट द इंडस्ट्री के अच्छे स्टाफ को जाने नहीं दें, क्योंकि अब वो कहते हैं ना, वर्स्ट इज ओवर। 2 महीने जो सबसे डिफिकल्ट टाइम था वो खत्म हो गया है। अब जब सब खुलने वाला है, जब खुलेगा और स्टाफ नहीं होगा आपके पास, तो क्लाइंट इधर उधर जाएगा, क्योंकि क्लाइंट वेट नहीं करेगा। सो अवॉइड कीजिए अपने अच्छे स्टाफ को रिटेन करने की। आई कैन अंडरस्टैंड सैलॉन ओनर्स की तरफ से, उनके लिए ये फिक्स कॉस्ट है, सैलरी कॉस्ट, कि उनको कैसे रिटेन करें। 2 महीने से फ्रंट एंड पे कुछ सेल हुआ नहीं, बट बैक एंड पे खर्चे हैं। आई अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट, बट हैविंग सेड दैट, बिजनेस है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। आप अपने स्टाफ के साथ अगर बैठ के बात करेंगे, उनको फिक्स और वेरिएबल कॉम्पोनेंट में उनका सैलरी डिवाइड करके देंगे, वो भी समझते हैं। सबको ए जॉब की जरूरत है, बी उनकी भी रिक्वायरमेंट है, और उनका भी नाम कहीं ना कहीं आपके सैलॉन या आपकी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। सो दे ऑल्सो विल अंडरस्टैंड कि मार्केट में इतना अच्छा सिनेरियो है नहीं कि अगर वो आज छोड़ते हैं तो कल उनको उससे बेटर जॉब मिल जाएगी, जैसे पहले होता था। सो दे विल ऑल्सो कोऑपरेट दैट वे। सो आई वुड रिक्वेस्ट सैलॉन ओनर्स, मैनेजर्स, ऑपरेशन हेड टू सिट विद द टीम, वर्क आउट अ वे जिसमें उनका भी लॉस नहीं हो और टीम भी रिटेन रहे। आइडली तो यही सिचुएशन होनी चाहिए। सेकेंडली, आपने प्रोडक्ट्स के लिए बोला, हाँ थोड़ा इश्यू रहेगा लीना, मोर सो बिकॉज जो प्रोडक्ट्स पहले होंगे आपके पास वो बड़े बड़े कंजम्पशन जार्स में होंगे, 1 लीटर की बॉटल, 500 ग्राम के आपके पास क्रीम के जार्स, 500 ml के क्लिंजर, टोनर, और अब
वक्त ऐसा है और रिक्वायरमेंट आज की डेट में टाइम की ऐसी है कि हमें मोनो डोजेस पे, हमें सिंगल सेशंस पे शायद काम करना पड़े. सो इंडस्ट्री के लिए एक तरफ जहां उनका जो पुराना स्टॉक है वो थोड़ा कंजम्पशन के लिए टाइम भी लेगा, बट दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी भी है कि उनको वो मोनोडोज में डिलीवर करना शुरू करें. काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स ने ऑलरेडी मोनोडोज पे काम करना शुरू कर दिया, सिंगल सेशंस पे काम करना शुरू कर दिया. दूसरी तरफ अगर आप सप्लायर्स देखिए, वेंडर्स जो पीपी मटेरियल बनाते हैं जो अभी यूज होना है, जिसमें आपके मास्क आएंगे, आपके ग्लव्स आएंगे, आपका हेड गियर आएगा, उन्होंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है. तीसरा जो लिनन मैन्युफैक्चरर्स हैं, आई कैन अंडरस्टैंड अगेन, अब नॉर्मल लिनन क्योंकि उसको लॉन्ड्री में भेजना पड़ता है एंड इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव कि हर क्लाइंट के बाद अगर उसको लॉन्ड्री किया जाए, अनटिल अनलेस यू हैव योर ओन लॉन्ड्री मशीन, इसलिए डिस्पोजेबल लॉन्ड्री की जरूरत होगी. बिकॉज आप सेम चाहे वो शीट हो, चाहे वो गाउन हो, चाहे वो एप्रन हो या कटिंग शीट हो, आप एक क्लाइंट का दूसरे क्लाइंट पे आज की डेट में यूज नहीं कर सकते हैं. अगर वो डिस्पोजेबल है, आइडियल है, आप उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कीजिए और एक फ्रेश सेट नए क्लाइंट के लिए खोल के दीजिए उनके सामने. उनका भी कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ेगा. बट अगर बाय चांस आपके पास डिस्पोजेबल नहीं है, आपके पास कॉटन लिनन है, इन दैट केस हर क्लाइंट यूसेज के बाद उसको आप वॉशिंग में डालिए. और अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है, आइडियल नहीं है, तो आई विल रिक्वेस्ट जिनके पास भी जगह है थोड़ी भी अपने सैलॉन्स में, एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जरूर ले लीजिए जिसमें हॉट एंड कोल्ड वाटर का प्रोविजन हो. इन कपड़ों को आप हॉट वाटर में डिप करके, डिटर्जेंट में डिप करके ब्लीच के साथ वॉश कीजिए और ड्रायर में सुखाने के बाद भी इसको सनलाइट में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे जरूर ड्राई कीजिए, बिकॉज सनलाइट से भी ये वायरस मर जाता है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जैसे पहने हुए कपड़े हम अपनी टीम्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुबह आने के बाद सैलॉन में कपड़े चेंज करें और घर जाने के बाद इमिडिएटली शावर लेके अपने कपड़े चेंज करें और उन कपड़ों को धोकर सन को एक्सपोज करना उन कपड़ों को बहुत जरूरी है. सनलाइट में अगेन इतनी हमारे सनलाइट में यूवीए एंड यूवीबी रेज होती है विच आर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल. सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट सारी हम वॉश लिनन को सनलाइट जरूर दिखाएं और उसको 2-3 घंटे सन एक्सपोजर जरूर दें. और आइडियली अभी मानसून सीजन सेट नहीं हुआ है अक्रॉस इंडिया, अच्छा धूप निकल रही है, सन गॉड इज फेवरिंग अस राइट नाउ, सो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट. वेरी नाइस. एंड दीज आर ऑल रियली अ वेरी गुड फैक्ट ऑल्सो मीन्स इन अदर वे, क्योंकि अगर हम सलोन में एक हाइजीन एटमोसफियर जब तक क्रिएट नहीं करते हैं, आपके क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा. जैसे हम अगर दिन में सिर्फ 4 अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो डेफिनेटली जो लिनन है वो कम यूज होगा और वो आप वॉश भी कर पाओगे. मीन्स इट इज अगर डिस्पोजेबल आपको यूज नहीं करना है तो, और हर चीज डिस्पोजेबल यूज करके हो भी नहीं सकती है. सेकेंडली उन्होंने जो कहा कि आप स्टाफ को, स्टाफ के अगर आपको बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे किसी के स्टाफ छोड़ के जा रहे हैं या कोई स्टाफ छोड़ भी नहीं रहा है लेकिन वी हैव टू पे सैलरीज टू देम, तो वहां पे हम स्टाफ से बात करके एक कुछ तो मिड पॉइंट निकाल सकते हैं या उनको बोल सकते हैं कि हम सैलरी अभी पूरा नहीं दे पा रहे हैं, 50% देंगे या रिमेनिंग सैलरीज वी कैन ऑल्सो पे लेटर. ये सारे गाइडलाइंस को एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अगर आप आपके सलोन के लिए बनाते हो तो ये टाइम जो है आपके पास, शायद 15 दिन, शायद 1 महीना, हमें पता नहीं अभी कि कब खुलने वाला है, लेकिन हर एक छोटा हो या बड़ा सलोन हो, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी प्लान करना चाहिए और ये जो गाइडलाइन मोनिका जी हमें बोल रहे हैं उनको ड्रॉट डाउन करके फिर हमें काम करना चाहिए. आई थिंक एम आई राइट मोनिका, अगर हम लोग ऐसे करें तो विल इट वर्क? Absolutely, we should get in touch. मतलब अभी जितना भी टाइम है, let's say अभी जैसे till next Sunday तो बंद है ही है, हमारे पास 1 हफ्ते का टाइम है. हो सकता है government allows कि सब जगह सब businesses को खोल दें. In that case, तो ये नहीं होना चाहिए कि government ने तो बोल दिया खोलने के लिए, हम prepared नहीं है क्योंकि हमारा staff हमारे पास नहीं है. वैसे situation सालों में already जो 2 महीने से business बंद करके बैठे हैं उनको वैसी सिचुएशन और आ जाएगी कि नया स्टाफ हायर करेंगे, फिर उसको ट्रेन करेंगे तो और बिजनेस लॉस होगा. सो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए. फिक्स और वेरिएबल कंपोनेंट में आप अपने स्टाफ के साथ डिस्कशन कीजिए. वेरिएबल तब होता है कि जब बिजनेस चलेगा
जितने की बिलिंग होगी उसके ऊपर कुछ परसेंटेज आप उनको दे सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री में वेरिएबल कंपोनेंट आपको मालूम है काफी चलता है, स्पेशली हेयर ड्रेसिंग कम्युनिटी में तो ये बहुत चलता है, सो हम उसको यूज कर सकते हैं। आज दोपहर को मेरी एक ऐसी पार्टिसिपेंट है अपने ग्रुप में, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ पे ग्रीन एरिया है तो हमने हमारे सलोन शुरू किए हैं, दिन में 4 या 5 क्लाइंट्स लेते हैं और डेली वेजेस पे कर रहे हैं वो लड़कियों को, मतलब जो स्टाफ है उनको डेली वेजेस, आज अगर 1000 रुपीज का काम हुआ है तो उसके ऊपर जितना कमीशन बनता है वो उनको पे कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आई थिंक हमें काम करना पड़ेगा। और जैसे मोनिका जी बोल रहे हैं कि आप ये ड्रॉट डाउन करके लिखिए कहीं तो भी आपके सारे गाइडलाइंस को और उसी को फॉलो कीजिए। देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम राधा, एज ऑलमोस्ट ऑल द सैलून्स आर क्लोज्ड, आई फील इट्स राइट टाइम फॉर BWSSC एंड गवर्नमेंट टू टेक अ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल सैलून्स एंड सी द क्वालिफिकेशंस ऑफ सैलून ओनर्स, बिकॉज मेनी ऑफ द सैलून्स आर रन बाय वर्कर्स हु लीव जॉब और डू होम सर्विसेज। सो वुड यू लाइक टू से समथिंग फॉर दिस राधा? आपका क्वेश्चन क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हमारी इंडस्ट्री 30% ऑर्गेनाइज्ड है, 70% अनऑर्गेनाइज्ड है और उनके पास शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का शायद लाइसेंस भी नहीं है। हैविंग सेड दैट, ये इंटरनली भी गवर्नमेंट, देखिए वो कहते हैं ना डंडे के जोर से तो सब काम हो जाएगा, बट आज की डेट में इंडिविजुअली हम सब ये ओनरशिप ले कि अगर हम अपने आप को रजिस्टर करते हैं MSME में है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, तो उससे कल को अगर गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट भी देना चाहती है तो वो सिर्फ उनको देगी जो रजिस्टर्ड हैं, जो GST नंबर है जिनके पास, जिनके इम्प्लॉयज का PF नंबर है, जो ESI पे करते हैं, जो लोग ये सब चीजें फॉलो ही नहीं करते। अगर गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर भी कर दिया कि वो लेट्स से सैलून इंडस्ट्री में सारे इम्प्लॉयज को लेट्स से 5,000-5,000 रुपए देगी वन टाइम पेमेंट, तो आपके इम्प्लॉयज वो ट्रैक डाउन ही नहीं कर पाएंगी गवर्नमेंट, क्योंकि आप रजिस्टर्ड ही नहीं है। अभी आपने लेटेस्ट न्यूज सुनी होंगी लास्ट वीक की, कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने बाबर्स और धोबीज को हर एक को 1 time 5,000 rupees उनके अकाउंट में डिपॉजिट कराए हैं। वो कैसे डिपॉजिट कराए हैं? क्योंकि वो लोग रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं के पास जा रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये सेल्फ अप्लाइंग रूल फॉलो करें रादर देन हम ये वेट करें कि गवर्नमेंट आके स्टॉक ले सिचुएशन का और हमें फोर्स करे, क्योंकि उस पर आप क्या करेंगे, आपके पास ऑफिसर आएंगे म्यूनिसिपैलिटी से, एक बार आएंगे आप उनको थोड़ा पैसे देके भेज देंगे, दूसरी बार आएंगे ज्यादा पैसे देके भेजेंगे आप, मतलब वो इट्स अ विशियस सर्कल। देन वो मतलब काम ना कराने की वजह से हम साइड पे पैसे देना शुरू कर देते हैं। तो उसको अवॉइड करते हुए हम खुद वॉलंटियर करें कि हम खुद आके आके रजिस्टर करेंगे अपने आप को एज एन इंडस्ट्री। आप BWSSC के साथ भी रजिस्टर कर सकते हैं, आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में भी जाके रजिस्टर कर सकते हैं। उससे गवर्नमेंट की जो ग्रांट्स आएंगी, जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को, हमारी इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज या वर्कर्स को कुछ भी सॉफ्ट देगी, वो आप लोगों के एम्प्लॉयज के लिए और आप लोगों के लिए एज सैलून ओनर्स। अगर लेट से आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया और गवर्नमेंट ये बोल देती है कि लैंडलॉर्ड के साथ एग्रीमेंट हो गया है कि 2 महीने में से 1 ही महीने का रेंट देना है, वो तो सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके साथ तो होगा नहीं। इट्स सिंपल एज दैट। सो इट्स फॉर आवर ओन बेनिफिट दैट वी कम ऑन टू रजिस्ट्रेशन। इसीलिए हम स्किलिंग भी जब करते हैं, आज की डेट में गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसको RPL कहा जाता है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अगर आपके एम्प्लॉयज के पास सर्टिफिकेट्स नहीं है बट उनके पास स्किल्स हैं, वो बहुत अच्छी स्किन थेरेपिस्ट है, फेशियल बहुत अच्छा करती है, वैक्सिंग अच्छी करती है, आपके हेयर ड्रेसर बड़े अच्छे हैं बट सर्टिफिकेट नहीं है, गवर्नमेंट मदद करती है आपको एज एन एम्प्लॉयर और आपके एम्प्लॉयज को एज एम्प्लॉयज की हम उनकी जो स्किल्स हैं, जो उनके रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, मतलब जो पहले से वो सीख के काम कर रहे हैं उसको हम रिकॉग्नाइज करें और गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट दें। सो आप लोगों को RPL की जानकारी भी चाहिए होगी, मैं लीना जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी आप लोगों से शेयर कर ले। हमारे पास पूरा नोट है, हमारे मेरे ऑफिस में टीम है अंकिता जिनको देखती है, जो पूरा इसको RPL को देखते हैं, वी कैन शेयर दैट गाइडलाइंस ऑल्सो विद यू। और आप अपने सारे एम्प्लॉयज को, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को भी अगर आप चाहें सर्टिफिकेशन दिलाना, वो सर्टिफिकेट भी एक रिकॉग्निशन की हो जाती है कि आपके एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइज हैं। कल को लेट्स से अगर गवर्नमेंट आके आपसे पूछती भी और आप अपने सर्टिफिकेट दिखा देते हैं कि आपके पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड
सर्टिफाइड एम्प्लॉयज हैं, सो आपको उससे भी बेनिफिट्स मिलते हैं। दिस इज वेरी गुड एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, ये जो मुनिका जी बता रहे हैं, क्योंकि हम में से काफी ऐसे सलॉन्स हैं जो हम भी देखते हैं, जिनको लगता है अभी तो मेरी बिगिनिंग है, रजिस्ट्रेशन करना इतना जरूरी नहीं है। बहुत लोग डरते हैं कि बहुत लोग ऐसे भी डरते हैं कि हमारा, अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन करें तो हमारा इनकम सरकार को पता चल जाएगा और फिर हमें उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि हमें इस चीज से डरना नहीं चाहिए, हमें बहुत ही जानकारी के साथ BWHSC, जैसे उन्होंने कहा RPL, या फिर आपके जितने MSME के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन जरूर करना चाहिए, उसके बहुत ही अच्छे नॉर्म्स है, उसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स भी है। सो कमिंग बैक टू दिस, देयर वॉज वन क्वेश्चन ऑल्सो मोनिका, दे आर सेइंग PMKVY ड्यूटी कोर्सेज की भी क्वालिफिकेशन 8th पास से चालू होती है, ऐसा नहीं नहीं होना चाहिए, दिस इज वॉट दे आर सेइंग, मीन्स 8th स्टैंडर्ड पास करके हमें सलोन ओपन नहीं got करना it, चाहिए। ये सलोन ओपन करने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, ये लर्निंग की है। आप वो इसलिए होता है PMKVY में, एक जरूरी नहीं है कि 8th पास पे ही ले लेंगे, अगर आपने 12th भी किया आप कर सकते हैं, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मैक्सिमम कैन बी 10th, मैक्सिमम कैन बी 12th। अगर क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है कि क्वालिफिकेशन ज्यादा है, अगर ज्यादा आप मानते हैं तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आज भी मैं थोड़े कॉलेज प्रिंसिपल से सुबह से मेरी डिस्कशन हो रही थी, 5 कॉलेज प्रिंसिपल्स के साथ हमारी कॉल थी, शोइनी के साथ, मेरी टीम मेंबर के साथ यही डिस्कशन हुई है। उनको भी यही समझाया गया कि स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। अगर जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप स्पेशलिस्ट देख के जाते हैं, आपको किडनी की प्रॉब्लम होती है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं चले जाते। आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आप जनरल फिजिशियन के पास नहीं जाते। सिमिलरली स्किन, ये सब छोटे ऑर्गन है, सबसे बड़ा हमारा बॉडी का ऑर्गन है स्किन। स्किन की देखभाल करने के लिए हमें एक बेसिक क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, जो 8th पास के बाद PMKVY के स्टूडेंट्स होते हैं वो एज एन असिस्टेंट, वो सेकेंड इन लाइन काम करना शुरू करते हैं। अगेन, अगर आपको लगता है ये क्वालिफिकेशन बहुत कम है, मैं भी आपसे एग्री करती हूँ, बट दिल पे हाथ रख के बोलिए, हमारी आज की डेट में कितनी ऐसी ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं, कितने ऐसे हेयर ड्रेसर्स हैं जो 8th पास भी नहीं है। हैविंग सेड दैट, ये ऐसी इंडस्ट्री है जो पैशन से चलती है और नॉलेज देना हमारा काम है। पैशन आप में होना चाहिए, एटीट्यूड सीखने का और एप्टीट्यूड सीखने का आप में होना चाहिए, नॉलेज देने का काम हम करेंगे, उस नॉलेज को यूटिलाइज करना ऑन द ग्राउंड, ऑन द फ्लोर ऑफ द सैलॉन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सैलॉन ओनर की होनी चाहिए। हम लोग सीखते हैं जो 3 महीने के कोर्स में सीखते हैं, वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है, बट जो सीखते वो अपने ग्राउंड लेवल फ्लोर पे आके सैलॉन के फ्लोर पे काम करके जो सीखते हैं, उससे अच्छी नॉलेज कहीं नहीं होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब अप्रेंटिसशिप भी हमारे कोर्सेज में शुरू कर दी है, जिसको हम स्कूल और कॉलेजेस के कोर्स करिकुलम में भी डाल रहे हैं। आपको जान के भी अच्छा लगेगा, 8th पास एक तरफ तो PMKVY की क्वालिफिकेशन है, दूसरी तरफ जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे कर्नाटका के हों, चाहे गुजरात के हों, उन सब में 9th क्लास ऑनवर्ड, 9th, 10th, 11th, 12th में हमारे ब्यूटी एंड हेयर के कोर्सेज चलते हैं। CBSE स्कूल जिसमें हम सबके बच्चे भी पढ़ते हैं और यहाँ पढ़ चुके हैं या जिनमें हम पढ़े हैं, CBSE स्कूल में भी आजकल 9th, 10th, 11th, 12th में ब्यूटी हेयर और योगा के कोर्सेज, जो ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल कराती है, वो चलते हैं। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट गर्ल्स, उस केस में जब लड़कियों की हम बात करते हैं, सो वो भी बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के PMKVY के थ्रू, कि हम उन लड़कियों, उन बच्चों तक भी पहुंच सकें, उन बच्चों को भी हम वो जिसे कहते हैं, जैसे हमारी विजन स्टेटमेंट है, उनको हम वो हुनर के पंख और उड़ने के लिए उनके पंख और हुनर की नींव दे सकें, कि ये बच्चे भी कल को चल के इंडस्ट्री में अपना नाम बनाएं, और अगर उनका पैशन है वो 8वीं पास होते हुए भी पढ़, अगर उनके पास हाथ में पैसे आने शुरू होंगे वो साइमल्टेनियसली अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे और अपने लिए एक लाइवलीहुड का रास्ता भी बना लेंगे। जी, आई टोटली अग्री विथ यू मोनिका ऑन दिस, और ये
हमारे जनरेशन में या हमारे पहले वाले जनरेशन में ऐसे एक ट्रेंड बन चुका है कि जिसको पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देना है या जिसको कम मार्क्स मिलते हैं या फिर एक सब्स्टिट्यूट बिजनेस, जैसे मैं शादी कर चुकी हूँ और मुझे अभी 4 घंटे कैसे तो भी निकालने हैं या उसी 4 घंटों में कुछ काम करना है, तो वो जनरेशन टू जनरेशन ये जो फैक्ट चलते आ रहा है स्पेशली फॉर ब्यूटी सलॉन्स और ब्यूटी बिजनेस में, वो थोड़ा सा धीरे धीरे अब पक्का कम हो जाएगा। जैसे अगर BWSC स्कूल तक पहुंचे हैं, धीरे कॉलेज में भी काम करते हैं और ये पेनिट्रेट होने के लिए और थोड़े साल, 1-2 साल शायद ज्यादा लगेंगे, लेकिन फिर इसके बाद अगर हम लोग ये समझ सकते हैं जरूर मोनिका कि इसके बाद ये नॉर्म अगर रखेंगे गवर्नमेंट तो उसको पब्लिक भी एक्सेप्ट करेगा। कि अगर हम बोलते हैं कि जैसे बेसिक क्वालिफिकेशन ये होना जरूरी है और उसके बाद ही आप सलॉन शुरू कर सकते हो, सो विल दैट हैपन? श्योर लीना, वी आर ऑन आर वे। आज की डेट में जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जब हम लोग इस इंडस्ट्री में आए, जैसे आपने बताया आपका 17 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, जब हम लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे थे, जैसे लीना ने बोला ब्यूटी वॉज नॉट समथिंग कि आपकी फैमिली बहुत खुश होती थी कि आपने ब्यूटी इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू कर रहे हैं। ब्यूटी वॉज अ लुक डाउन अपॉन प्रोफेशन कि चलो कुछ और नहीं कर रहे, लीना ने बिल्कुल ठीक किया, तो ये कर लेते हैं। बट आज की डेट में एटलीस्ट जो हमारे टाइम पे था और जो आज की डेट में, इट्स अ रिस्पेक्टफुल इंडस्ट्री स्पेशली फॉर द फीमेल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिनको अपने घर को भी संभालना होता है और साथ में कुछ अपना करियर भी रखना होता है, इट्स वन ऑप्शन दैट कैन बी गिवन। थर्डली, अगर किसी को अपना खुद का बिजनेस शुरू करना हो, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें शुरू करने का थ्रेशोल्ड बहुत कम है। आपको अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है और आप दिल लगा के मेहनत करना जानते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। आपके पास थोड़ा पैसा होने से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आप बहुत जल्दी फ्रॉम अ जॉब सीकर टू अ जॉब गिवर बन जाते हैं। जॉब सीकर का मतलब होता है कि जब हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो हम अपनी डिग्री लेके ढूंढते हैं कि कौन सी कंपनी आके हमें जॉब देगी या हम फिर कैंपस प्लेसमेंट में जाके हमारी सिलेक्शन होगी, वो जॉब सीकर होते हैं। और जॉब गिवर होता है जो अपना काम शुरू करता है और काम 2-3 महीने अच्छे से करने के बाद 2-3 लोगों को अपने साथ और जोड़ के अपने काम को और आगे बढ़ाता है। आज के डेट में जैसी हमारी पॉपुलेशन चल रहा है और वी बींग द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया जैसे चाइना था कुछ साल पहले तक, उन्होंने अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड यूज किया, अच्छे से चाइना नंबर 1 पे बना, वेदर इट वॉज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, GDP के लिए या प्रोडक्शन के लिए। आज की डेट में ये टाइम और ये समय इंडिया का है। आज से लेके अनदर 20-25 साल हमारा वील बी द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। यंगेस्ट नेशन होने के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि हम अपने यूथ को ऑक्यूपाई करें इन प्रॉपर प्रोडक्टिव मैनर। वो हम तभी कर पाएंगे अगर हम उन्हें स्किल्स दें कि वो पढ़ने के बाद जैसे ही वो अपना स्कूल कॉलेज खत्म करें उनके पास स्किल्स होनी चाहिए। आज के डेट में आप जितने भी डेवलप्ड नेशन देखेंगे, चाहे आप जर्मनी देख लीजिए, आप UK देख लीजिए, आप सिंगापुर देख लीजिए, जिनको भी वी लुक अपॉन एज डेवलप्ड नेशन, वहां पे वोकेशनल एजुकेशन को बहुत अच्छा दर्जा दिया जाता है। वहां स्कूलिंग के बाद हर कोई 12th नहीं करता, 10th के बाद, 10th के बाद ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट्स ही हैं जो 12th तक जाते हैं, बाकी वोकेशनल एजुकेशन में चले जाते हैं। 12th से कॉलेज जाने की फर्दर परसेंटेज कम होके 40% रह जाती है और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो हार्डली 15-20% बच्चे ही आगे जाते हैं, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली अपनी वोकेशनल एजुकेशन का काम करते रहते हैं और ऑन जॉब ट्रेनिंग करके जॉब शुरू कर देते हैं। दे बिकम एन अर्निंग मेंबर फॉर देयर फैमिली एंड दे स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। आगे चल के हमें भारत को भी, अपनी कंट्री को भी उस लेवल पे लाना होगा जहां पे हमारा आने वाली जनरेशन अपने पैरों पे हुनर के साथ खुद खड़ा होना सीखे। परफेक्ट, और ये बहुत ही वेल सेड है और ये ऐसे ही होगा। और अभी जो हम लोग मतलब वी आर थिंकिंग कि नहीं अभी सलोन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए और रजिस्ट्रेशन करवा के ही सलोन्स ओपन होनी चाहिए, तो हम ऐसे जरूर कोशिश करेंगे हमारे आजू बाजू में जितने सलोन्स हैं, हमारे कॉन्टेक्ट में जितने लोग हैं, उनको हम ये बोल सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन है, अगर आपको आपका सलोन बिजनेस अच्छी तरह से चलाना है तो आपको रजिस्टर करके अगर आप चलाओगे तो वो बहुत
बहुत ही वैलिड रहेगा, नहीं तो थोड़ी दिन बाद वो तो रिस्ट्रिक्शन आने ही वाला है वैसे, क्योंकि कंपलसरी होगा ये लाइसेंसिंग, करेक्ट मोनिका? लाइसेंसिंग विल बी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी सैलून. एब्सोल्युटली वी शुड यूज दिस टाइम. और ये लर्निंग एक्सपीरियंस है हम सब के लिए कि एक कोरोना वायरस जो छोटा सा है, दिखता भी नहीं है, वो आके हम सबको इतना परेशान कर रहा है, तो कल को अगर कुछ और बड़ा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी. सो बहुत जरूरी है कि हम खुद वॉलंटियर करें, खुद आगे आए और अपने आप को रजिस्टर कराएं. हम रजिस्ट्रेशन एज बताया कि आपके सबके लोकल एरिया में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है, उसके थ्रू जाएं. सैलों के साथ रजिस्टर करना है, सैलों के साथ करिए. आप BWSSC के साथ आके रजिस्टर होना चाहते हैं, लीना जी आपको वो भी गाइडलाइन दे देंगी. आप हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं. हमारे साथ आज की डेट में इंडिया के सबसे बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ले लीजिए, सैलों चेन्स ले लीजिए, सब मिला के 65 चेन्स हैं हमारे साथ. लीना जी का भी इंस्टीट्यूट हमारे साथ जुड़ा हुआ है. इसी तरह से और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चेन्स हैं जो इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, सैलों भी चलाते हैं, डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स भी चलाते हैं. हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदा क्लिनिक्स जुड़े हुए हैं. सो सारे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आना चाहिए. यू ऑल आर मोर देन वेलकम टू कम एंड जॉइन अस. जी मोनिका, मैं आपको आज के जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, काफी सारे लोग ज्वाइन नहीं शायद कर पाए, मे बी ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, लेकिन ये सारे रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स मैं आपको आपके टीम को जरूर शेयर करूंगी. तो मुझे पता है कि उनकी तरफ से आपको ये सारे गाइडलाइंस मिलेंगे. मैं भी मेरी तरफ से जितना बन सकता है मैं आप सबको सारे गाइडलाइंस पक्का दे दूंगी. That will be really nice, Lina. आपको मालूम ही है दीपक आपके साथ शुरू से ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. दीपक पूरा संभालते हैं. दीपक स्वरलीन जो इंडस्ट्री ग्रुप भी संभालती हैं, दोनों मिलके आपके साथ प्रॉपर करके, एंड विकी है हमारा जो स्टेट का पूरा देखती हैं. तो ये तीनों आप सबसे, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए, जितना गाइडलाइंस चाहिए, वील बी हैप्पी टू शेयर इट. और मैं खुद के एक्सपीरियंस से आप सबको ये कहना चाहूंगी कि ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल ने मुझे पर्सनली आज तक बहुत हेल्प की है. और कभी भी आप कुछ भी ईमेल करते हो उसका जवाब तुरंत आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, बेसिकली रिटेन स्टाफ कैसे करना है ये तो हमने बोला, सो व्हाट विल बी द लेटेस्ट मेथड और टेक्निक्स कमिंग अप विथ लिस्ट कॉन्टैक्ट विद द थेरेपीज? अभी ऐसे कुछ गाइडलाइंस है मोनिका आपको जो दे सकते हो आप, कि ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे बट वी विल डू अ सर्विस. बिल्कुल जी लीना, जैसे सबसे पहले सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट और सब लोगों की जो है सबसे पहले लॉकडाउन खुलने से वो है थ्रेडिंग, कि हमें आईब्रो शेपिंग प्रॉपर करानी है. एंड विच इज अ फैक्ट कि 2 महीने हो गए, और कईयों ने अगर 2 महीने से पहले, मतलब 22 मार्च से पहले का अगर थ्रेडिंग नहीं कराया तो और लंबा टाइम हो जाता है. उस सब के लिए जो हमने गाइडलाइंस में डाला है, पील ऑफ वैक्स होती है. आई डोंट नो आप लोगों में से कितने हमारी जनरेशन के हैं, एक छोटी सी पहले कटोरी में आती होती थी वैक्स, जिसको उसी पे हीट करके वो यूज कर लिया जाता था, उसको कटोरी वैक्स बोलते थे. अब आज की डेट में रिका की भी है और इंटरनेशनल ब्रांड्स भी उसको बनाते हैं. वो छोटे छोटे एरियाज में लगती है एंड इट्स सेफ, और उसमें आपका जो थ्रेड के साथ कॉन्टेक्ट रहता है, बिकॉज थ्रेड मुंह में भी जाता है और क्लाइंट की स्किन पे भी लगता है, वो अवॉइड हो जाता है. और उसको स्पेचुला से लगाया जाता है या हाथ से लगाया जाता है एंड उसको पील ऑफ कर दिया जाता है. उसमें थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रहता है कि अपनी तो थ्रेडिंग में बिल्कुल क्लाइंट के ऊपर झुक के करते हैं. सेकेंड, अगर आपको थ्रेडिंग करनी है या क्लाइंट इंसिस्ट कर रहा है, तो आप थ्रेड को प्लीज मुंह में ना डाल के दोनों हाथों के बीच में, देयर इज अ वे ऑफ डूइंग अ थ्रेडिंग. मैं हैंड्स ऑन नहीं हूँ बट मुझे भी आता है थ्रेड को एक तरफ से गांठ लगा के दोनों हाथों में डाल के करना, अपनी मिडिल फिंगर में डाल के उसको चलाना. उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आने वाले टाइम में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज क्लाइंट नहीं चाहेगा कि जो आपके मुंह में धागा है वो उसकी स्किन को टच करे. जब हम फेशियल्स पे आते हैं, नई इक्विपमेंट्स तो है ही है. आप स्टूडियो सेंटर देख लीजिए, उसमें फर्मेटर ब्रशेस होते हैं जिनसे आप जब आप स्क्रब लगा के फर्मेटिंग करना चाहें या आप उसको स्क्रब को रोटेट करके मसाज करके निकालना चाहें, तो आप वो फर्मेटर ब्रशेस यूज कर सकते हो. बहुत पहले एक हैंड हेल्ड फेशियल मसाजर्स आते थे, तब तो बहुत सस्ते प्लास्टिक की बॉडीज में आते थे, सेल से बैटरी ऑपरेटेड होते थे. आजकल वही बहुत सोफिस्टिकेटेड आ गए हैं,
पीछे थोड़े महीने पहले दीपिका पादुकोण ने भी अपने इंस्टाग्राम पे वो डाला था, व्हेन एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि ये तो दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट. सो फेस मसाजेस हैं जिनको आप ग्लव्स पहन के रादर देन डूइंग अ फेस मसाज आप लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज कर सकते हैं, बट वो फेस मसाजेस यूज करके फेशियल में यूज कर सकते हैं. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी. मैनिक्योर पेडिक्योर में, नेल्स में आपको थ्रू आउट द ट्रीटमेंट आप मास्क पहन के रखना है, और क्लाइंट को भी इंसिस्ट करना है मास्क पहनिए, स्पेशली जब हम नेल्स की सर्विस करते हैं. वैसे भी अगर आप ड्रिल कर रहे हैं नेल्स को या फाइल कर रहे हैं तो उसका पाउडर इतना उड़ता है कि क्लाइंट अगर मास्क पहन ले तो क्लाइंट भी कंफर्टेबल रहता है. बट आज की डेट में तो ये मैंडेट बन जाएगा. हेयर सर्विसेज में भी क्लाइंट को मैंडेटेड रखिए कि वो मास्क पहन के रहें, और आप भी मास्क पहन के रखिए. सिर्फ स्किन सर्विसेज या फेशियल सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें क्लाइंट मास्क नहीं पहन पाएगा, और उसी में हमें थोड़ा स्किन टच एंड फील थोड़ा अवॉइड, जितना हम कर सकें डायरेक्ट टच और इनडायरेक्ट टच पे जाएं वो करना पड़ेगा. वेरी गुड गाइडलाइंस. तो मुझे ख्याल है आप सब लोग ये फॉलो करोगे, और थ्रेडिंग सीरियसली थोड़े दिन आप बंद कीजिए पोस्ट लॉकडाउन. अगर किसी ने फोर्स भी किया तो थोड़े दिन के लिए आप ये मत कीजिएगा. देर इज वेरी गुड क्वेश्चन मोनिका. समवन इज आस्किंग फॉर मेकअप स्टूडियो विच रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड. इज देर एनी स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन इफ समवन वॉन्ट्स टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट अगर टू आपने ओपन कोर्स मेकअप कर स्टूडियो? या अगर आपने कोर्स कर रखा है, आपके पास सर्टिफिकेट है मेकअप का, वेल एंड गुड. और उसमें भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू आपके जो लोकल म्युनिसिपैलिटी है, लोकल स्टेट का जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है, उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. कोई भी अगर आप शॉप खोलना चाहते हैं, चाहे सैलून हो, मेकअप स्टूडियो हो, नेल स्टूडियो हो, उसको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर लेके जाइए. एंड अगर आप हमारे साथ भी उसके लिए जुड़ना चाहते हो, जैसे मैंने बार बार बोला, यू आर मोर देन वेलकम टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ BWSSC टीम इज वेल. वेरी गुड. व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर BWSSC रजिस्ट्रेशन? ऐसे भी एक क्वेश्चन है. मैं आप लोगों की ईमेल आईडी लीना जी हमसे शेयर कर लेंगे मेरी टीम से. मैंने नाम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, दीपक हैं, विक्की हैं एंड स्वलीन है. ये तीनों आपको इंडिविजुअली रिवर्ट कर देंगे, जो जो इंटरेस्टेड होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फॉर्म भी भेज देंगे एंड वी कैन गेट गोइंग ऑन दैट. मैम इसमें क्वेश्चन है. हाँ जी बोलिए. हेलो जी. हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए. मैम हमारा सलून है अमृतसर में, तो उसको रजिस्टर करवाना है जैसे SSC के अंडर. तो उसमें क्या फॉर्मेलिटीज है? अमृतसर में कहाँ पे है जी? अमृतसर पंजाब में. नहीं नहीं वो तो मुझे मालूम है, मैं अमृतसर से हूँ, अमृतसर में जगह पूछ रही हूँ. मैम आपने रेक्स ब्यूटी पार्लर देखा है मजीठा हाउस में? नहीं आप मुझे जगह का नाम बता दीजिएगा ना. मजीठा हाउस. ओके. तो उसकी जो लोकल आपकी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होगा उसके अंदर रजिस्टर कर लीजिए. और ब्यूटी एंड वेलनेस की जो रजिस्ट्रेशन है, आप अपना ईमेल आईडी छोड़ दीजिएगा लीना जी के पास, वो हमें सबका रजिस्ट्रेशन भेज देंगी. हम आप सबको अपना फॉर्म शेयर कर लेंगे. और मैम एक और क्वेश्चन है कि अभी जो हमारी जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसकी कोई रिकॉर्डिंग मुझे मिल सकती है? लीना जी से वो बात कर लीजिए. लीना जी आप कॉल के बाद आप उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपसे ठीक है तो जी. ओके थैंक यू. पक्का आप सबको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी. मैं मेरे सारे डिटेल्स यहाँ पे डाल रही हूँ, जहाँ से आपको ये सारे रिकॉर्डिंग के लिए आप देख सकते हो. हम फेसबुक सोशल मीडिया पे भी ये सारा कुछ डालेंगे. तो सारे डिटेल्स आपको मैं एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन में आपको जरूर दे दूंगी. बट आर द गाइडलाइंस फॉर एकेडमी वेयर ओनली ट्रेनिंग इज गिवन? सो इज देर एनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस? बी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो गवर्नमेंट डजेंट वॉन्ट टू ओपन अप राइट नाउ. स्कूल भी आपने देखा होगा, लाइक दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि अभी स्कूल एंड कॉलेजेस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर आते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि 30 जून तक वो नहीं खुल सकते. मैं सिर्फ आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी इन द मीन वाइल, अगर आप अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स आप वहां पे भी मेंटेन कीजिए, और थियोरी का जितना भी लेक्चर है उसको ऑनलाइन मोड में कम्युनिकेट कीजिए. क्लासरूम में 2 मीटर के डिस्टेंस पे स्टूडेंट्स को बिठाइए. प्रैक्टिकल में आप जिसका आज बैच वाइज बुलाइए,
एक बैच को आज बुलाई, अगर आपके पास लेट्स से 10 प्रैक्टिकल के बेड्स हैं और 10 बच्चे उस पे मॉडल बनते हैं और 10 प्रैक्टिकल करते हैं तो 20 बच्चे हैं, सो आप 10 बच्चों को बुलाइए, एक एक बेड छोड़ के कीजिए। अगर आपके पास हेयर का है, हेयर में जितने कटिंग स्टेशन हैं उससे आधे बच्चों को बुलाइए और बैच वाइज शुरू कीजिए और थियोरी जहां तक हो सके ऑनलाइन मोड में जाके डिलीवर कीजिए। तो ये गाइडलाइंस आप पक्का यूज कीजिएगा। और दूसरी बात, एक लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ मोनिका, और फिर हम किसी को अगर कुछ पूछना है आपसे तो उनसे बात करेंगे। देयर इज वन मोर पर्सन इज सेइंग, व्हाट इज द प्रोसेस एंड प्रोटोकॉल्स टू ज्वाइन BWATC? आई थिंक शी ऑलरेडी हैज आंसर्ड दिस। आपको ईमेल आईडीज आपके सारे विल शेयर ऑल द डिटेल्स। सो somebody was wanting to ask a question. Yes. Now, whoever wants to speak, आप hand raise कीजिएगा अपना. So probably 5 to 7 people. तो आप अपना hand raise कीजिए और खुद को unmute करके question कीजिएगा. Yes. आप से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. जी. Hello, ma'am. मैम, मैं पापी सेन बोल रही हूँ कोलकाता से। मैं BWBSSC से जुड़ी हुई हूँ, मैं असेसर हूँ। मनिका मैम गुड इवनिंग, लीना मैम गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन है कि ये जो डिस्पोजल चीजें हम लोग यूज करने वाले हैं आगे जाके, तो वो जनरली जो डिस्पोजल्स होते हैं वो हम जो म्यूनिसिपलिटी के डिस्पोजल लेने वाले आते हैं उनके पास छोड़ देते थे पहले, तो अभी इसको अगर छोड़ देंगे तो स्प्रेड होने की, अगर उसमें कोई भी अगर इन्फेक्शन रह जाता है तो इसको स्प्रेड होने की चांसेस रह जाता है, तो उसको हम क्या ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर उसको अपने सलून में कोई कर सकते हैं कोई इंतजाम या फिर कोई सेटअप? आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और डिस्पोजेबल के लिए अगर आप हमारी गाइडलाइन पढ़ेंगी तो पूरा उसमें भी दिया हुआ है। मैम गीतिका मल्लिक फ्रॉम कोलकाता। मैम गुड इवनिंग। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं एक असिस्टेंट हूँ ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर से जुड़ी हुई हूँ, तो मैम अब पोस्ट लॉकडाउन अगर हम असेसमेंट लेने जाएंगे तो वो सेंटर में जो गाइडलाइन उन लोगों को भी तो फॉलो करना पड़ेगा, तो वो गाइडलाइंस क्या BNWSSC से मिलेगा कि वो खुद से वो गाइडलाइन बना लेंगे? सारी गाइडलाइंस हमारे से ही मिली जाएंगी गीतिका। अभी असेसमेंट्स भी, फिजिकल असेसमेंट भी ऑन होल्ड पे हैं, मार्च से ऑन होल्ड पे हैं, 19 तारीख से जब से हमारा मिनिस्ट्री का ये गाइडलाइन आ रखा है। जब फिजिकल गाइडलाइंस खुलेंगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को मेंटेन करते हुए हम असेसमेंट करेंगे, एंड हो सकता है थोड़ा उसमें भी हम ऑनलाइन असेसमेंट पे भी जाएं, हम कुछ पार्ट ऑफ द असेसमेंट ऑनलाइन भी करेंगे, तो उसके लिए भी हम बैकएंड पे प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि मैम बहुत से रूरल एरिया में ऐसे होता है कि वहाँ के इतने फैसिलिटी वो लोग और वो लोग बहुत नीडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वी विल वर्क आउट दैट, वी ऑलरेडी आर ऑन इट। वो पूरा पूरी स्किल इकोसिस्टम का जैसे होगा हमारी सक्सेस स्किल के साथ भी वैसा होगा। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी मैम, कैन वी हैव लास्ट टू क्वेश्चन प्लीज? लास्ट टू क्वेश्चन प्लीज। हेलो मैम। मैम मैं प्रियंका मुसड़े फ्रॉम सेलू टाउन, महाराष्ट्र से हूँ और एक छोटे टाउन से बिलोंग करती हूँ। तो मतलब यहाँ पे नहीं क्या बहुत डरे हुए है, मतलब जो आम जनता भी बहुत डरी हुई है क्योंकि और मतलब कोई प्रिपेयर करेगा ये करेगा, मतलब बहुत डर, उनका डर कैसे निकाले? बच्चे देखिए, डरने से कुछ नहीं होगा, डरने से हम अपना कॉन्फिडेंस ही खोएंगे। हमें सबसे पहले तो डरने से, एज आई वॉज मेंशनिंग, डरने से कभी किसी ने कोई जीत नहीं हासिल की है, डरने से अपना कॉन्फिडेंस ही कम होता है। लेट्स फेस द सिचुएशन, जैसे मैंने शुरू में बताया कोरोना। मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे लिए सेफ होगा या नहीं होगा? बच्चे क्या सेफ होगा, काम करना सेफ होगा या क्या बोलना चाह रहे हैं? सैलून चलाना सेफ होगा या नहीं होगा? अगर आप अपनी गाइडलाइन सारी फॉलो कर रहे हैं, अपने पे मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चल रहे हैं, सो आप अपना सैलून चला सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यू आर, आई विल रिक्वेस्ट इन द लास्ट ट्राइमेस्टर, जैसे ही आप अपने लास्ट 3 महीने में जाए तब काम को थोड़ा हल्का कर दीजिए, बहुत हैवी काम मत कीजिएगा। और आपके पास अगर
टीम है, आपने आपके अंदर टीम को हायर किया हुआ है ब्यूटिशियंस और हेयर ड्रेसर, उनको सिर्फ मॉनिटर कीजिए, बट सारा टाइम मास्क रखिए, अपने विटामिंस आपको डॉक्टर B12 दे रहे होंगे, आपको फॉलिक एसिड दे रहे होंगे, कैल्शियम दे रहे होंगे, वो खाने के पे जोर दीजिए, और अपना जो नेचुरल डाइट है, रेगुलर फ्रूट, आपने जैसे बताया महाराष्ट्र से है, नारियल पानी वगैरह सब अच्छा खुराक लीजिए। सिर्फ कोरोना से लड़ने का एक ही सबसे अच्छा तरीका है, वो है हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करें। With that only, I would like to say a big thank you to all of you. You've been a wonderful audience. And thank you so much, Leena. It was my pleasure to deal with so many different people from Amritsar, from Calcutta, from Maharashtra. Yeah. And with obviously you being there. So we practically, and Karnataka also, we've taken examples. Yes. Even if nobody from Karnataka was there. No. So I think we covered north, south, east, west. We have covered it. In Delhi, we are. Me and my team, BWSSC, who are now. पूरी ऑनलाइन है, हम सब दिल्ली से हैं, तो हमने पूरा सेंट्रल भी कवर कर लिया है। जी जी, ऑल द बेस्ट टू यू, लेट्स होप दैट वी फाइट अगेंस्ट कोरोना टुगेदर इन अ कंबाइंड फैशन, एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, नोबडी एल्स विल, एंड वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर बॉडीज इम्यूनिटी, नथिंग एल्स विल कम टू योर हेल्थ देन योर ओन बॉडीज इम्यूनिटी। थोड़ा फ्रेश एयर लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, सन एक्सपोजर अपनी बॉडी को भी दीजिए कपड़ों के साथ साथ, और अपना अच्छा खाया पिए। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर टुडे, एंड थैंक यू सो मच मोनिका फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, वी रियली मीन अ लॉट, और ये वैल्यूएबल इनपुट हम सब लोग सारे लोग फॉलो करेंगे, एंड स्टे होम स्टे सेफ एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच।